एक और अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मकामी मस्जिद में इज्तिमा से खिताब किया है और नमाज भी अदा की है। बात कर लेते हैं, कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, बहुत अच्छी खबर है ये। बिल्कुल, पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो आज ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंचा है और जैसे ही मेलबर्न पहुंचा है पाकिस्तानी स्क्वाड, तो पाकिस्तानी स्क्वाड के जो रुकन हैं मोहम्मद रिजवान, सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और इफ्तिखार अहमद, ये सब जो है वो एक मुकामी मेलबर्न की मस्जिद में गए और वहां पर जाकर तबलीगी इज्तिमा से खिताब भी किया, दीन की तबलीग दी। मोहम्मद रिजवान ने अपने जो साथी खिलाड़ी हैं का वाकया भी सुनाया और इसी तरह कौमी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के हमरा हेड कोच भी थे सकलैन मुश्ताक, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ भी थे और खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद भी थे। उसके बाद उन्होंने नमाज अदा की और तमाम जो अफराद वहां पर मौजूद थे उनसे खिताब भी किया मोहम्मद रिजवान ने और मोहम्मद रिजवान ने दीन की तबलीग की। इसी के साथ साथ जो है वो तमाम खिलाड़ी अभी पुरुद है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो 23 अक्टूबर को पाकिस्तान जीतने में जरूर कामयाब होगा। दुआ भी करवाई गई मोहम्मद रिजवान की जानब से, दुआ भी करवाई गई है। अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया आपका कादिर।